My husband had boycotted all fried food for quite some time now. So when he craved for pakoras, he challenged me to make them air fried. And I accepted it. सबसे पहले हम अपने पकौड़ों के लिए बैटर बना लेंगे। एक बोल में दो प्याज बारीक कटे हुए ले लेंगे। फिर उसके अंदर दो आलू चिप्स की तरह के काट के डाल देंगे। If you want, आप रेगुलर साइज के आलू भी काट के डाल सकते हैं। फिर इसमें मैं डालूंगी 1/4 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ में इसमें डालूंगी एक अंडा, अंडे से बड़ा जबरदस्त सा क्रंच आएगा। 4 से 5 चम्मच बेसन, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें, अ हैंडफुल ऑफ हरा धनिया, 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये सब चीजें डाल के हम अपने बैटर को मिक्स कर लेंगे। थोड़े बहुत पानी की आपको जरूरत पड़ेगी, आप वो ऐड कर लें। बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना, क्योंकि ये ज्यादा पतला भी हो गया तो ये सही से एयर फ्रायर में कुक नहीं होगा। और बहुत ज्यादा बेसन भी डालेंगे तो बेसन कच्चा रह जाएगा एयर फ्रायर में। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूं। आधा चम्मच लाल मिर्च भी ऐड कर दिए। आप देख सकते हैं इसका इस तरह की कंसिस्टेंसी है, ना ये बहुत पतला है ना ये बहुत गाढ़ा है। नाउ कम टू द कुकिंग पार्ट। अगर डायरेक्टली एयर फ्राई की बास्केट में हम अपना बैटर ड्रॉप कर देंगे तो वो सुराखों में से सारा गिर जाएगा। तो मैंने एक बटर पेपर लेकर उसको एयर फ्राई की बास्केट के साइज में काट कर बास्केट के अंदर लगा दिया है। अब मैं बटर पेपर के ऊपर हल्का हल्का ऑयल कर दूंगी ब्रश की मदद से, ताकि बैटर चिपके नहीं। और फिर अपने पकौड़े एक चम्मच की मदद से अंदर ड्रॉप करते जाएंगे, और ड्रॉप करने के बाद थोड़ा थोड़ा फ्लैटन आउट करते जाएंगे, ताकि मोटा सा पकौड़ा होगा तो वो कच्चा रह सकता है। पकौड़ा ड्रॉप करेंगे और चम्मच की ही मदद से उसको फ्लैटन आउट कर देंगे। फ्लैटन आउट करने से ये होगा कि वो इवनली कुक होगा और बेसन कच्चा नहीं रहेगा। करीबन 20 मिनट्स के लिए 200 डिग्रीज पर रख देंगे और एयर फ्रायर स्टार्ट कर देंगे, और बीच में निकाल कर चेक करते जाएंगे। जैसे ही पकौड़े अपनी फॉर्म ले लेंगे और डेफिनेट शेप के हो जाएंगे तो हम इनको फ्लिप करेंगे। आफ्टर 2 to 3 मिनट्स ऑफ कुकिंग, जब पकौड़े अपनी एक डेफिनेट शेप पकड़ लेंगे तो इनको फ्लिप कर लेंगे। ये बिल्कुल अपनी शेप पकड़ चुका है, इसको फ्लिप कर लेंगे। अगर आप नीचे बैटर पेपर स्टिल रखना चाहते हैं तो रख लें, मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। सब पकौड़ों को बैटर पेपर से अलग करते जाएंगे और फ्लिप कर देंगे, और बटर पेपर के बगैर सारे पकौड़ों को एयर फ्रायर में रखते जाएंगे। आई थिंक दे लुक परफेक्ट। अब मैं इनको बाहर निकाल लूंगी। एंड हियर वी हैव आवर एयर फ्राइड पकौड़ास, वेरी इवनली कुक्ड। कच्चे भी नहीं हैं, ओवर कुक भी नहीं हैं, दे आर जस्ट परफेक्ट। एंड हियर इज माय हस्बैंड ट्राइंग माय एयर फ्राइड पकौड़ास, एंड ही लव्ड देम, एंड द क्रिस्प वाज लवली।